हेलो गाइस, हमारे चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको डिफरेंशियल के कुछ अन्य प्रश्न करके दिखाएंगे। तो उसी क्रम में हमारे सामने जो प्रश्न दिख रहा है, कोस इनवर्स 4x³ - 3x, इसका हम डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आइए इसको देखते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया है, उसके पश्चात हम इसको सोल्व करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि ये अंदर कोस बन जाए, क्योंकि बाहर कोस इनवर्स है, इसलिए हमें एक्स के स्थान पर कुछ ना कुछ पुटअप करना पड़ेगा। देखिए हम क्या पुटअप करते हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं, माना एक्स इक्वल टू कोस थीटा, चाहे कोस थीटा माने या अल्फा माने, कुछ भी कोस के रूप में मानना। तो इसका मतलब थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। यहाँ पर एक्स इक्वल टू कोस थीटा क्यों माना गया, ये आपको बाद में बात समझ आएगी। फिलहाल तो आप समझ लीजिए कि एक्स इक्वल टू कोस थीटा हमने रखा है। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स 4cos³θ - 3cos θ। तो नेक्स्ट स्टेप होती है वाई इक्वल टू कोस इनवर्स। अब यहाँ पे आपको बात समझ में आएगी, आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फार्मूले पढ़े हैं, नहीं पढ़ा हो तो ध्यान रखिए कि मैं ये फार्मूला क्या बताने जा रहा हूँ। 4cos³θ - 3cos θ जो होता है वो cos³θ होता है, cos³θ, इसलिए मैंने 3θ लिख दिया। फिर समझ लीजिए 4cos³θ - 3cos θ को हम क्या लिखते हैं, cos³θ। चाहे तो इस बात का रेफरेंस हम यहाँ दे सकते हैं, ये आपको परीक्षा में लिख देना है, मैं फिलहाल यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। सीधे समझिए कि इसके साथ ये लिखा है, इट मीन्स इसकी वैल्यू है। ऐसा करने से क्या फायदा है, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचता है 3θ। लेकिन थीटा की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखी है, क्या होती है, कोस इनवर्स एक्स। तो अब हम इस थीटा को क्या लिख देंगे, कोस इनवर्स एक्स लिख देंगे। तो वापस हमारा जो वाई है वो एक्स के रूप में था और वापस हमें एक्स के रूप में मिल गया है। तो कहने का आशय है कि एक्स इक्वल टू कोस थीटा मानते या कोस अल्फा मानते, तो जो भी मानते उसकी वैल्यू हमें यहाँ निकालनी पड़ती। तो इस तरह से हमारा ये y की जो वैल्यू है सिंप्लीफाई होकर यहाँ पे आ गई है। अब बस इसका डिफरेंशियल करना है, डिफरेंशियल करना कठिन नहीं है, बस इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ी कठिन प्रक्रिया थी, तो उसे हमने सोल्व कर लिया है। तो आइए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy/dx = इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 को तो छोड़ दिया जाएगा। cos इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है √1 - x² अपान में आएगा, पर 1 आएगा, 1 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 हो जाएगा, साथ में इसमें माइनस आएगा, क्योंकि कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल होता है -1/√1 - x², तो 3 एज इट इज हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया और सीधे हमें आंसर प्राप्त हो। तो आइए यहाँ पर हम एक अन्य प्रश्न को और सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न इस तरह से, tan−3x − x³/1 − 3x² यहाँ होना चाहिए, तो 1 - 3x² ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखिए किस तरह से करते हैं, चलिए इसको कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को पेपर पर नोट डाउन कर लिया है और यहाँ पर हम इसमें जो x यहाँ पे जो देख पा रहे हैं ब्रैकेट के अंदर, इसको इस तरह से x की वैल्यू पुट अप करना है कि ये tan इनवर्स बन जाए। तो फिलहाल देखिए मैं बना लिख देता हूँ, यहाँ पर हम ये मान लेते हैं, माना x = tan θ, थीटा माने अल्फा माने बीटा माने कुछ भी माने, लेकिन उसकी वैल्यू हमें निकालना जरूरी है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, इसको tan इनवर्स एक्स लिखेंगे, ये वैल्यू हम बाद में रखेंगे, जब थीटा आएगा सो tan इनवर्स एक्स लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने वाई इक्वल टू tan इनवर्स लिखा और उसमें एक्स के स्थान पर tan थीटा लिखा, 3tan θ − 10³θ/1 − 3tan²θ। आप सोच रहे होंगे कि एक्स स्थान पर tan θ कैसे दिमाग में आएगा। तो देखिए सीधी सी बात है कि जब आप फार्मूले पढ़ चुके होंगे तो आपको पता रहेगा कि एक फार्मूला बनता है और ये बनता है tan³θ का। तो यहाँ पर x = tan θ जो लिखने की जो प्रेरणा हमें इस फार्मूले से मिलेगी, तो ये फार्मूला हमें याद होगा तो हमारा दिमाग आसानी से काम करेगा। तो आइए यहाँ पर हम
वाई इक्वल टू टेन इनवर्स, इसको लिख देते हैं टेन थ्री थीटा। टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, हमारा मूल उद्देश्य भी यही था कि यहाँ पर यदि टेन इनवर्स है तो अंदर टेन बनना चाहिए, और वो टेन हम बनाने में सफल हुए। तो देखिए टेन से टेन कैंसिल हो जाता है तो थ्री थीटा। इसके बाद हम इस थीटा को क्या पुट अप कर सकते हैं, टेन इनवर्स एक्स, तो हम यहाँ लिख देंगे वाई इक्वल टू थ्री टेन इनवर्स एक्स। इस फॉर्मूले से आप यहाँ पे साइड में रेफरेंस दे सकते हैं ये इक्वल टू ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई वाई डी एक्स इक्वल थ्री को छोड़कर टेन इनवर्स एक्स का करेंगे तो वन अपान, तो वन को थ्री से मल्टीप्लाई करें थ्री, और अपान में क्या लिखेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस प्रश्न का डिफरेंशियल कर दिया है। आइए एक अन्य प्रश्न को और हल कर लेते हैं। तो अगले प्रश्न के रूप में हम यहाँ पर कोस इनवर्स ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स टू द पावर माइनस वन अपान एक्स प्लस एक्स टू द पावर माइनस वन का डिफरेंशियल करेंगे। तो इसे आप ध्यान समझें। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे सामने रेडी है, इसको हमने नोट कर लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि बाहर क्या है कोस इनवर्स है, यहाँ पर कोस इनवर्स लिखना है, तो ये कोस इनवर्स है तो अंदर क्या बनना बन जाना चाहिए कोस बन जाना चाहिए। तो इस तरह की हमारी कार्य योजना रहेगी कि हम एक्स स्थान पर वो वैल्यू पुट अप करें। तो पहले अंदर वाले पार्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं, कोस इनवर्स एक्स माइनस वन अपान एक्स एंड एक्स प्लस वन अपान एक्स, इस तरह का हम लिख सकते हैं। ये एक्स टू द पावर माइनस वन मीन्स वन अपान एक्स होता है। इसको और आगे सोल्व करते हैं तो वाई इक्वल टू कोस इनवर्स ये एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वन, बटे में जो एक्स आया था जैसा अंश में बटे में एक्स आएगा वैसे हर में एक्स आएगा, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये बचता है। आगे हम इसको नोट कर सकते हैं इस तरह से कोस इनवर्स माइनस चिन्ह इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये वन माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस एक्स स्क्वायर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वन प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया वो आपको आगे समझ में आएगा। कोस इनवर्स माइनस यहाँ पर अब जो एक्स है इसके स्थान पर हम टेन थीटा लेते हैं तो वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चूंकि हमने क्या मान लिया है, यहाँ लिख देना था लेकिन मैं यहाँ लिख देता हूँ, चूंकि एक्स इक्वल टू टेन थीटा हमने माना है, टेन थीटा माना है इसलिए थीटा इक्वल टू क्या जाएगा टेन इनवर्स एक्स, ये बात हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो फिलहाल हमने यहाँ पर एक्स इक्वल टू टेन थीटा रख दिया है इसलिए ये स्टेप से ये स्टेप प्राप्त हो गई है। आगे इसको सॉल्व करते हैं तो वाई इक्वल टू कोस इनवर्स ब्रैकेट माइनस इस वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला क्या होता है ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले जाकर देखना है, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ ये होता है कोस टू थीटा। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। इसके बाद कोस इनवर्स इसको हम लिख सकते हैं कोस पाई बाय पाई माइनस टू थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं कोस पाई माइनस टू थीटा होता है माइनस कोस। अब ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, पर ये माइनस हटाने के लिए इसको हमने लिखा कोस, क्योंकि यहाँ से यहाँ कोस कैंसिल नहीं होगा, बीच में माइनस चिन्ह आ रहा है। अब कोस पाई माइनस टू थीटा को हमने ये माइनस कोस थीटा को कोस पाई माइनस टू थीटा लिख सकते हैं, ऐसा लिखने से कोस इनवर्स और कोस कैंसिल हो जाएंगे तो वाई बराबर क्या जाएगा पाई माइनस टू थीटा। अब हम आगे क्या करते हैं, ये जो थीटा है इसको क्या लिख सकते हैं
हमने ऊपर थीटा का मान निकाल रखा है, थीटा इक्वल टू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, तो हम थीटा के स्थान पर टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे, तो हमारा जो सवाल है वो टू टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट जब करें हैं तो डी वाई बाई डी एक्स, पाई का डिफरेंस जीरो माइनस, और ये टू और टेन इनवर्स एक्स का होता है वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से हमारे इस प्रश्न का डिफरेंशियल यहाँ पर हो जाता है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, एक्स को वन अपान एक्स लिखा है और इसको कैलकुलेट करके एक्स स्क्वायर माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख लिया है, माइनस कॉमन ले लिया, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपन वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हमें यहाँ ये लिख देना था, यहाँ पर मैंने बाद में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो पहले लिख देना, ये वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जैसे ही एक्स को टेन थीटा लिखेंगे तो थीटा को बाद में क्या लिखना पड़ेगा, टेन इनवर्स एक्स। परंतु टेन थीटा ही क्यों लिखा, क्योंकि ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला क्या होता है, ये होता है टेन सॉरी कोस टू थीटा होता है, तो ये हमने क्या लिख दिया, कोस टू थीटा। इस तरह से कोस इनवर्स माइनस कोस थीटा हो गया। अब बीच में माइनस आ रहा है इसलिए इसको हम इस तरह से जो है फार्मूला हमारे पास होता है कोस पाई माइनस टू थीटा, क्या होता है, माइनस कोस टू थीटा होता है, इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल होता है, पाई माइनस टू आता है और वाई बराबर पाई माइनस टू, और थीटा को हमने क्या लिख दिया है, टेन इनवर्स एक्स। तो इस तरह से ये हो गया है, और इसको हमने जब डिफ्रेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका पाई का डिफरेंस जीरो, टू एज इट इज हो गया, और टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस अपनी जगह है। इस तरह से हमारा ये प्रश्न सॉल्व हो जाता है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारा चैनल, हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।